हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स यूनिट सेकंड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। और इस पार्ट के अंदर हम ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस से आप क्या समझते हैं, और फीचर्स और नेचर्स बताने हैं आपको बिजनेस के। तो हम लास्ट वीडियो के अंदर मैन एक्टिविटी, मैन जो है दो टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी कि जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक यानी कि जस्ट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीज़ दी जाती है। नेक्स्ट आता है बिजनेस एक्टिविटी की हमने डेफिनेशन की थी कि बिजनेस जो है एक चीज़ है जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक इंसान परफॉर्म करता है जो कि प्रोडक्शन करता है किसी भी चीज़ को, गुड्स या सर्विसेज को, और उसका एंड मोटिव यह होता है कि टूवर्ड्स एक्वायरिंग वेल्थ, और उससे जो है वो कमाई करेगा। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं हमारे बिजनेस के। एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि हम जो है बदले में क्या लेते हैं। आपके पास जो है, आप कोई कंपनी है, मान लेते हैं आपने चेयर बनाई है, अब आप चेयर को सेल करेंगे और जो हमारे कस्टमर होगा वो आपको क्या दे देगा, पैसे देगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या फिर आप कोई सर्विस, जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, सर्विस दी जा रही है आपको, या फिर आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है कि आपने वो चीज़ खरीदी है उसके बाद आपको सर्विस दी जा रही है उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों का एक्सचेंज करना यानी कि पैसे के बदले में आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप कुछ भी चीज़ें बेच रहे हैं किसी को, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज। एक कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारी बिजनेस की। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कि जो आप काम करेंगे आपका उसके पीछे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है हमारे अकाउंटिंग, मतलब कि हमारे जो बिजनेस में, तो वो हमारा बिजनेस कैसा होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, यानी कि जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग। डीलिंग के अंदर लेने और देने में, यानी कि सेल करने में और परचेज करने में रेगुलर एक साइकिल आप फॉलो करते रहें, आप सेल भी करते रहें, चीज़ को परचेज भी करते रहें, ये एक डेली बेसिस पे आप करेंगे काम। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क हमेशा रहता है, और वो क्या होता है कि जैसे कि अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर आपको, आपने देखा कि यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट होना है, लेकिन क्या हुआ, आपने वो मेहनत की और आप यहाँ पहुँच गए जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट होगा, बट आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि ये हमारा लॉस हो चुका है इस चीज़ में। लेकिन हाँ, जो हमारा टारगेट था वो अगर हम अचीव कर लेते हैं उसी लिमिटेड पीरियड में, तो वो आगे जाके हमें क्या है, प्रॉफिट देता है। तो ये एक तरीके से रिस्क का काम है अगर कोई बिजनेस करता है। नेक्स्ट वन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। बिजनेस जो है वो करता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को क्रिएट करने में ये क्या है, मेन इसका टारगेट यही होता है कि वो ऑडियंस का पता लगाता है कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और फिर वो उसको जो है क्रिएट करता है, बनाता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, यानी कि जो भी वो गुड्स खरीद रहा है या कोई भी वो सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो एट द एंड जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये हमारे जो बिजनेस का मेन टारगेट होता है, उसी, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस इज ए सोशल एक्टिविटी। बिजनेस जो है एक सामाजिक एक्टिविटी है, यानी कि एक सोशल एक्टिविटी है। आप कोई काम कर रहे हैं वो एक तरीके से पब्लिक के लिए, यानी कि एक सोशल आप हेल्प कर रहे हैं अपने नेशन को। नेक्स्ट रहता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम की तरह चलेगा, यानी कि सबसे पहले आप जो है एक, मान लेते हैं आपने जो भी आपकी कंपनी वगैरह मानते हैं, उसमें क्या होता है, आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस होने के बाद आप जो है रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल के बाद उसको आप जो है प्रोसेस करेंगे कंपनी के अंदर, और फिर उसके बाद एक एंड प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार होगा और उसको हम कस्टमर को देंगे। तो ये एक एक तरीके से सिस्टम फॉलो किया जाता है बिजनेस के अंदर।
नेक्स्ट आता है बिजनेस इज बोथ साइंस भी है और आर्ट्स भी है. साइंस यानी कि हम बेसिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं हमारे, और आर्ट यानी कि एक कला भी है बिजनेस करना. इसके अंदर हम जो है हर चीज़ को नोटिस करते हैं और किस तरीके से हमें किस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा, हम हमेशा यही सोचते रहेंगे तभी हम जो है बिजनेस कर सकते हैं. तो ये हमारे बिजनेस के बारे में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि बिजनेस क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा था हमें, और उनके फीचर और नेचर क्या है बिजनेस के, ये हमारा क्वेश्चन था. होप सो आपको जो है कंप्लीट क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.